तो वेलकम टू माय चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज की जो ये वीडियो है दिस विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन अब बहुत आसानी से तुम्हारे सारे थियोरी सब्जेक्ट्स जो है वो तुम्हें लर्न होने वाले हैं तो दिस वीडियो इज़ लर्न इट वीडियो ठीक है तो तुम में से काफ़ी बच्चे काफ़ी समय यूट्यूब पर सर्च करते हो हाउ टू लर्न इनफैक्ट मैंने भी एक वीडियो बनाई थी बेस्ट टेक्नीस टू लर्न एंड इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस तुमने देखी होगी वो उसमें मैंने आपको बताया यू शुड बी हाइड्रेटेड यू शुड ट्राई चुनिंग गर्म्स एंड किस तरीके से आपको लर्न करना है बट जो एक सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे मैं लर्न करती हूँ लुक मतलब अगर मैं आपको अपना सीन बताऊं आई लव थ्योरी सब्जेक्ट्स कभी अगर एस का एग्जाम होता था मेरे स्कूल में अगर ट्वेल्थ में आई रिमेंबर जैसे जो इंटरनल्स एग्जाम होते थे ना आई यू सी उसको अगर हंड्रेड मार्क्स का मेरा पॉलिटिकल का या हिस्ट्री का पेपर होता था आई यू सी उसको नाइन्टी एट मतलब मैं तुम्हें तो झूठ नहीं बोल रही हूँ मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे जब आप बताओ इलेवंथ क्लास में जो मेरा इलेवंथ का लास्ट फाइनल ईयर का एग्जाम था तो उसमें से मेरे हंड्रेड में से नाइन्टी मार्क्स आए थे कैन यू सी तो वो कैसे है बिकॉज आई जस्ट लव लर्निंग और मेरी जो लर्निंग की टेक्निक है वो मुझे सबसे आसान लगती है और मैंने आपको पहले भी बताई ऐसा नहीं है कि मैं आज पहली बार आके आपको बता रही हूँ बट पहले मैं बस तुम्हें ऐसे ही बता देती थी बट अब मोस्ट ऑफ द टाइम कल जब मैंने क्यू एन ए करा तो काफ़ी बच्चों का यही क्वेश्चन था दीदी हम लॉन्ग आंसर्स को लर्न नहीं कर पा रहे आपने हमें इतने सारे लॉन्ग आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए है पी डी एफ नोट्स में इंस्टाग्राम पर दे आर सो मेनी लॉन्ग आंसर्स बट हम उन्हें लर्न कैसे करें अब आप यूजली कोई वीडियो देखते हो यूट्यूब पर वो कहते हैं जैसे एक इतना बड़ा लॉन्ग आंसर बना है इसकी पिक्चर बना लो भैया ट्रीटी ऑफ ये कि क्या पिक्चर बनाओगे तुम नेपोलियन बोना पार्ट्स बनाओगे फिर चारों के चारे ऑस्ट्रिया और उस कप के रीडर्स की फोटो बनाओगे फिर ये दिखाओगे वॉर हो रहा है दिस क्वेश्चन कैनॉट भी लर्न बाई अ पिक्चर बेस्ड टेक्निक और अगर फर्स्ट वर्ड टेक्निक जो होती है सब पता है मेरे को आई आई एम आई हैड साइकोलॉजी हमें पूरा एक चैप्टर था लर्निंग का जिसपे हमें सब ये टेक्निक्स बताते हैं बट टेक्निक ऐसी होनी चाहिए दैट इज़ एप्लीकेबल इन द रियल लाइफ यू के नॉट मेक अ पिक्चर ऑफ अ टेन पॉइंट्स यू कैन नॉट अगर तुमने इसका फर्स्ट वर्ड मेंशन कर दिया बर्बन डायनेस्टी का बी हो गया फ्रेंच का एफ हो गया स्टेज का एस हो गया नीदरलैंड का एन हो गया क्या बी एस एफ एन करके कुछ लर्न हो जाएगा नो फुल टू लर्निंग के लिए एक अलग तरीका होता है एक सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप बार बार अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुनो बट वो तरीका भी तब होगा जब आप लोगों को अपने काम को सिंप्लीफाई करोगे उस चीज़ को कहोगे आप रट्टा मारना है no. ना आपको खुद से आंसर बना के लिखने आने चाहिए ठीक है इफ़ यू सिंग योर इंग्लिश इज नॉट दैट गुड तो वो भी अच्छी हो जाएगी इफ यू विल यूज दिस ट्रिक तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होता है सबसे पहली बात तो ये है तो यहां देखो मैंने कंबाइंड वीडियो बनाई है टेंथ एंड ट्वेल्थ की दोनों की ट्वेल्थ का मेन कॉमन सब्जेक्ट है इंग्लिश तो यहां मैंने ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए इंग्लिश का लिख दिया है यू कैन अप्लाई इट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पोलिटिकल इक्राफी सोशल साइंस एवरी थिंग एंड क्लास टेंथ के बच्चों के लिए यहां मैंने टेंथ का नेशनलिज्म इन यूरोप का फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनर्स लिखा है एंड आज ये तुम्हें तो पूरा का पूरा क्वेश्चन लर्न हो जाएगा और हो सकता है ये क्वेश्चन आ गया तो यू ऑल विल गेट सिक्स मार्क्स ठीक है तो लेट्स स्टार्ट द लर्निंग प्रोसेस एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू वॉच दिस वीडियो इन टिल द एंड अगर कोई ट्वेल्थ का बच्चा टेंथ का ये वाला क्वेश्चन लर्निंग टेक्निक नहीं देखना चाह रहे तो आप गलती करोगे बिकॉज ये लर्निंग टेक्निक तो मैं दोनों क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगी तो चाहे आप टेंथ के हो ट्वेल्थ के हो अगर कोई नाइन्थ का एलेवथ का बच्चा देख रहे हैं वो भी दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू सी हा यू विल लर्न इट एंड ये क्वेश्चन तो मैं कोई भी बचा है पूरी देखोगे आप लोग वीडियो ठीक है तो द क्वेश्चन इज अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ तो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फोर चेंजेस वॉटअप इन यूरोप बाय क्विटी ऑफ वियना इन एटीन ये हो गया आपका क्वेश्चन ठीक है तो जब आपका क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट तो आपकी वही होती है जो आपकी स्टेटमेंट होती है तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने बताया है इसमें कि क्या हुआ था चीटी ऑफ वियना साइन क्यों हुई थी नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन 1815 बाय कलेक्टिव यूरोपियन पावर ब्रिटेन रशिया प्रूश एन ऑस्ट्रेलिया द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर ज्यू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना एट अ कांग्रेस होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेथ टू अर्न डन चेंजेस अप बाय नेपोलियन पहले तुम ऐसे रीड करोगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर ठीक है बस तुम्हें पता है यू नो दैट ऐसे ऐसे हुआ था सबसे पहले इस क्वेश्चन को हिंदी में खुद से बनाना सीखो नेपोलियन हार गया था एटीन फिफ्टीन में उसके बाद कलेक्टिव यूरोपियन पावर उसके बाद चार कंट्रीज ने मिलकर क्या ये आप लिखोगे नेपोलियन आप ऐसे अपने कीवर्ड्स लिखोगे आप लोगों के पास गाइड होगी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिंट आउट होंगे खुद से लिखे हुए होंगे ये जितना इतना बड़ा क्वेश्चन है इसमें आपको बस ये लिखना है नेपोलियन 1815 हार गया ये लिखना है आपको इसको आप इंग्लिश में बना सकते हो ना नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन एटीन ये चीज़ आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो बाय कलेक्टिव यूरोपियन पावर ब्रिटेन रशिया पुरूष ऑस्ट्रेलिया इसका क्या है चार कंट्रियों से किससे हारा था चार कंट्री से जो चीज़ आप अपनी हिंदी में बना के और इंग्लिश का वर्ड प्रोसीजर यूज़ करके लर्न करके हमेशा याद रहेगी आप नेपोलियन कैसे आ रहा था इन ट्वेल्थ क्लास के बच्चे भी बता सकते हैं नेपोलियन 1815 में हार गया था चार कंट्रीज से वो कंट्रीज क्या थी बी आर पी ए बी आर पी ए कोई भी आप अपने फॉर्म में लर्न कर लो कंट्रीज़ का नाम तो हमें याद ही होता है ठीक है इतना हमें लर्न हो गया नेपोलियन हारा था 1815 में चार कंट्रीज से बी आर पी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर ड्रॉ ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना एट अ कांग्रेस होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन चांसलर ट्रीटी बनी अब आप ये यह को यहां लिखना है ट्रीटी बनी कहां पे ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया कांग्रेस में ट्रीटी कहाँ पे साइन हुई थी ये देखो यहां लिखा है ना ड्रू ऑफ द ट्रीटी ऑफ कांग्रेस होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर तो ऑस्ट्रिया में हुई बनी थी ट्रीटी ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेट्रेनिच किसने बनाई थी ड्यूक मे ये आपने शॉर्ट शॉर्ट अपना लिख लिया टू अंडर चेंजेस बाय ब्रॉटअप बाय नेपोलियन बस खत्म खानी आपको लर्न ये पूरी लाइन हो गई है नेपोलियन हारा 1815 में चार कंट्रीज से बी आर पी ए ट्री बनी ऑस्ट्रेलियन चांसलर ने बनाई ड्यूक मेथ टू अंडर्न द चेंजेस बाय नेपोलियन ट्रीटी ऑबियसली क्यों बनी थी नेपोलियन ने जो कुछ भी करा था यूरोप के अंदर उसे वापस से सेटल करने के लिए अब बताओ क्या है ये अब इसको अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तुम्हारे पास बस ये की है तुम्हारे माइंड में बस ये की है ये भूल जाओ यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है नेपोलियन 1815 हार ये लिखा है तो तुम क्या करोगे सोचोगे नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1815 फोर कंट्रीज से बाय फोर कंट्रीज कौन सी थी कंट्रीज ब्रिटेन रशिया रोशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ठीक है अगर चाहे तुम ये भी नहीं लिखोगे ना द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर तो भी तुम्हें नंबर मिलेंगे द ट्रीटी वॉज फॉर्मड एट ऑस्ट्रिया कांग्रेस हेडेड बाय या फिर होस्टेड बाय चांसलर ड्यूक मेथरेनिच अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना फिर हम फिर हमें ये रिप्रेजेंटेटिव और अगर हम ये दो चार वर्ड जो भारी भरकम है अगर नहीं भी लिखोगे तो ये गेट फुल मार्क्स समझ रहे हो और धीरे धीरे जब इन आप क्वेश्चन को बार बार रीड करोगे तो तुम्हें ये भारी भरकम वर्ड्स भी लर्न हो जाएंगे तो नेपोलियन हार से आपको होगा नियन वॉज रिफीटेड इन एन फिफ्टीन बाई फोर

रिवोल्यूशन वॉज रिस्टोर तो इसका क्या हो गया रिस्टोर कर दिया बर्बन वापस आ गया बर्बन वापस आ गया या फिर आप लिख दोगे बर्बन रिस्टोर कुछ भी लिख दोगे तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद हो गया बर्बन रीस्टोर फर्स्ट पॉइंट क्या है, है? वर्ड आपके माइंड के अंदर है सेकेंड फर्स्ट पॉइंट का तो क्या है बर्बर्न डायनेस्टी वॉज रीस्टोरेंच लॉस टेरिटरीज नेक्स्ट बाय यूरोपियंस फ्रेंच हार गया टी फ्रेंच हार टी या फिर फ्रेंच लॉस टी मतलब क्या हुआ फ्रेंच लॉस द टेरिटरीज यह भी आप लिख दोगे विल गेट द मार्क्स ठीक है नेक्स्ट इज स्टेट्स वार सेटअप ऑन बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर ठीक है तो इसका आप क्या लिखोगे स्टेट्स ऑन बाउंड्री टू प्रिवेंट एक्स ऐसे लिखोगे आप स्टेट्स ऑन बाउंड्री टू प्रिवेंट एक्स स्टेट्स ऑन बाउंड्री टू प्रिवेंट एक्स इससे आपको थर्ड पॉइंट याद हो जाएगा स्टेट्स ब्रॉट अप ऑन द बाउंड्रीज टू प्रिवेंट फ्रेंड्स एक्स मतलब क्या है एक्सपेंशन ठीक है तीन पॉइंट आपको लर्न हो चुके हैं अभी तक ये वाला नेपोलियन 1815 में हार गया फोर कंट्रीज से बीपीआर थ्री टी बनी इन ऑस्ट्रेलियन कांग्रेस बाय ड्यूक मेथ्रेन फर्स्ट टॉपिक के फर्स्ट हमारा क्या हुआ बर्बन रीस्टोर्ड थर्ड सेकेंड हमारा क्या हुआ था फ्रेंच हार टी फ्रेंच हार गया अपनी टेरिटरीज थर्ड हमारा क्या हुआ स्टेट्स ऑन बाउंड्रीज स्टेट्स ऑन बाउंड्रीज टू प्रिवेंट एक्स ठीक है तो ये चार पॉइंट तुम्हें लर्न हो चुके हैं नेक्स्ट इज द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन नॉर्थ एंड जेनुआ इन साउथ तो आपको क्या लिखना है नीदरलैंड इन नॉर्थ जेनुआ इन साउथ ये आपका थर्ड फोर्थ की वर्ड होगा कौन सा है ये फोर्थ की वर्ड एन एन जी एस एन एन से आपको याद आ जाएगा नीदरलैंड बना नॉर्थ में जैन बना साउथ में या तो आप पूरा हिंदी में अपने माइंड में लर्न कर लो नीदरलैंड बना नॉर्थ में जनो बना साउथ में तो इससे आपको लर्न हो गया द नीदरलैंड वॉज मेड अपन द नीदरलैंड वॉज इंक्लूडेड इन द नॉर्थ एंड दॉज इंक्लूडेड इन द साउथ ठीक है ओके फोर पॉइंट आपको लर्न हो गए अब आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे यहाँ पे प्रूशिया वॉज गिवेन इंपॉर्टेंट न्यू टेरेटरीज ऑन वेस्टर्न फ्रंटियर तो आप लिख दोगे न्यू टेरेटरीज बस बस प्रूशिया वॉज गिवेन द न्यू टेरिटरीज हो गया फोर्थ पॉइंट लर्न हमारे फिफ्थ पॉइंट नेक्स्ट वॉज ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इटली यहां पे आप लिखोगे ऑस्ट्रिया नॉर्थ इटली तो इससे आपको याद हो जाएगा ऑस्ट्रिया को कंट्रोल मिल गया नॉर्थ इटली नाइन्थ पार्ट नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा मैंने राइटिंग गड़बड़ कर दी यहाँ पे जर्मन कॉन्फेडरेशन वॉज नॉट टचड जर्मन की किसी भी चीज को टच नहीं करा गया तो आप लिखोगे जी क्रॉस टचड डरम्स को टच नहीं करा गया रश ये तो मैंने कीवर्ड में ही लिख दिया रशिया वॉज गिविन पोलैंड एंड प्रूशिया बिकेम अ पार्ट ऑफ सेक्सनी ये आपको लर्न करना है यहाँ तो मैंने की वर्ड में लिख दिया रशिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ पोलैंड एंड प्रूशिया बिकेम अ पार्ट ऑफ सैक्सनी बिकेम पार्ट ऑफ सैक्सनी आप खुद से लिख सकते हो तो ये आपका फोर्थ पॉइंट नाइन्थ पॉइंट हो गया टेंथ वॉज पॉइंट इज मोनार्की वॉज डिस्टोर्ड इन यूरोप ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज सेटअप इन द यूरोप और लास्ट पॉइंट में आप क्या लिखोगे मोनार्की रीबैक या फिर कुछ भी रिस्टोर हो जाएगी एंड कंजर्वेटिव ऑर्डर बस आपको ये की वर्ड से लर्न करना है तो लेट्स रिवाइज द क्वेश्चन तो फर्स्ट क्या था नेपोलियन हारा 1815 में चार कंट्रीज से ऑस्ट्रेलियन चांसलर ने ट्रीटी बनाई ड्यूक मेटेन एज टू द चेंजेस नेक्स्ट आपका क्या था द बर्बन देनेस्ती रिस्टोर हमने फिर क्या पढ़ा फ्रेंच हार गई सारी टेरिटरीज उसके बाद हमने क्या करा था नेक्स्ट क्या था स्टेट्स ऑन बाउंड्रीज टू प्रिवेंट एक्सपेंशन नीदरलैंड्स नीदरलैंड्स बना नॉर्थ में जेनोआ बना साउथ में उसके बाद हमने क्या पढ़ा प्रूशिया को मिली न्यू टेरिटरीज नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या था ऑस्ट्रिया वॉज गिवन इन द कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इटली ठीक है ऑस्ट्रिया को मिला नॉर्थ इटली नेक्स्ट क्या हुआ था जर्मन कॉन्फेडरेशन नॉट टच जर्मन को टच नहीं किया गया रशिया मिला पोलैंड को पुरूशिया मिला पुरूशिया बेगेम पार्ट ऑफ सेक्सनी एंड लास्वॉल्स मोनार की रिस्टोर्ड कंजर्वेटिव ऑर्डर बस ये छह कीवर्ड लिख के तो तुम्हें पूरा आंसर लर्न हो गया है एक बार सारे कीवर्ड्स अपने लिए लिख लो यहाँ तो मैंने बहुत गंदी गंदी राइटिंग कर दी है तो तुम पूरे कीवर्ड जैसे मैंने तुम्हें तो बताए हैं थोड़ी वीडियो की स्पीड धीरे करके ऐसे लिख लो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को लर्न करना है अपनी लैंग्वेज में साइड में इंग्लिश में बनाने कोई ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है बर्बन डॉ एन एस्टी डट वु डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड फ्रेंच लॉर्ड द दु टेरिटरीज एक्स बाई यूरोपियंस स्टेट व स्टेट ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस ये लट्टा मारना होता है गाइज अगर लट्टा मार के आप कोई क्वेश्चन लर्न कर रहे हो तो सौ नंबर नहीं सकते हैं आएंगे तो फिर पता नहीं उस का क्या फायदा आपको रट्टा मारने के नॉट गेनिंग एनी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एक मन में डर होता है जब आप रट्टा मार रखा होता है किसी चीज का ये जो आपको लगता है ना कि आपको क्वेश्चन भूल गए हो तो वो इसीलिए ही लगता है आई होप तुम सबको एक क्वेश्चन लर्न हो गया होगा सो नाउ क्लास टेन स्टूडेंट्स लर्न ई एंड एवरी हिस्ट्री क्वेश्चन बाय दिस टेक्निक एंड ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो क्लासमेट्स आई नो थोड़े सेल्फिश आप लोग हो जाओगे नहीं करोगे बट स्टिल डू शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड लेट्स सी नाउ ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स कैसे लर्न करेंगे अपने क्वेश्चन तो यहाँ है ट्वेल्थ वालों का इंग्लिश का एंड टेंथ वाले भी देख लो बिकॉज मैं तुम्हारे लिए इंग्लिश की नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगी इसी में से तुम समझ लो ठीक है वाई डज अनस जंग से दैट बैंगल मेकर्स आर कॉटन इन वेब बैगल मेकर विशेष अब क्यू है ठीक है द बैंगल मेकर बिकॉज दे आर कंपेल्ड बाय फैमिली एंड ट्रेडिशन टू फॉलो द सेम लिनियज एस दियर फोर फादर्स एंड दैट टू एंड अर्ली एज यानी कि उन्हें कंपेल करा जाता है जो उनकी फैमिली लीनियत है जैसे अगर आपके पापा की अगर आपके पापा हलवाई हैं तो आप स्वीट शॉप से और आप रोज स्वीट शॉप पे जा रहे हो और आप वही हलवाई बन जाओगे में अगर आपके फादर एक बहुत बड़े तो तुम भी अपनी शॉप पे जाके बैठोगे तुम बिजनेसमैन बन जाओगे तो बार इन बच्चों का क्या था देव कंपेल टू फॉलो द लाइन उनको ग्लास मेकिंग फंडस फैक्ट्री में जाके बैठना पड़ता था तो यहां पे क्या लिखोगे आप फैमिली लीनियज फॉलो बस थ तुम्हें लर्न करना है इसको दे वर कंपेल टू फॉलो द फैमिली एंड फॉलो फॉलो के आगे लिखना है फोर फादर्स बस फैमिली फॉलो फोर फादर्स फैमिली फॉलो फोर फादर्स दे आर एक्सप्लॉयटेड एट द हैंड्स ऑफ साउकार पुलिसमैन एंड लॉ मेकर्स तो एक्सप्लॉयटेशन बाय अब इसका आप कैसे लर्न करोगे लैंडलॉर्ड साउकर मिडलमैन और पुलिसमैन एल एस एम पी कुछ भी आप अपना ये चार शॉर्टकट बना लेना अपने हिसाब से एक्सप्लॉयटेड एल एस एम पी ठीक है दे वर्क ऑल डे एंड नाइट बट डे नॉट गेट एनी गुड वेजेस तो यहाँ पे आप लिखोगे नो पेमेंट नो पेमेंट करके लर्न कर लेना उनको वेजेस तो अच्छी खासी मिलती नहीं थी दे के नॉट फॉर्म कॉपरेशन ये मैंने शॉर्ट में ही कर दिया है दे वर नॉट एबल टू फॉर्म कॉपरेशन बिकॉज दे वर नॉट एजुकेटेड एंड लास्ट पॉइंट ड्रीम और आगे लगा देना क्रॉस दे कैन नॉट डेयर टू ड्रीम जैसे मुकेश ने ड्रीम करा बट उसकी ड्रीम ट्रू होना बहुत ही मुश्किल था दे के नॉट डेयर टू ड्रीम तो आई होप तुम लोगों को यह क्वेश्चन की टेक्निक समझ में आ गई होगी लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करने का यही तरीका है राधर देन जस्ट कीपिंग अ हैंड ऑन इट एंड जस्ट रटाफाइंग इट एंड जस्ट डिसाइटिंग इट एंड जस्ट रीडिंग इट थर्टी परसेंट इज सेवेंटी परसेंट थर्टी परसेंट इज सेवेंटी परसेंट डिसाइड येस दिस वर्कस बट आफर यू हैवंडरस्टैंड द क्वेश्चन आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू द कीवर्ड्स जब आपको ये की वर्ड्स लर्न हो जाएंगे उसके बाद इतना मत कॉन्फिडेंट हो जाना

रिसाइट करो रीड करो उसके बाद जो मर्जी करो एंड यू विल बी डन विद द लॉन्ग आंसर्स तो आई होप ये वीडियो तुम्हें तो बहुत ज़्यादा हेल्प करी होगी दिस इज माय सीक्रेट लर्निंग टेक्निक मैं कभी भी किसी क्वेश्चन को देखती हूँ तो ऐसे हाथ रख के पढ़ना या ऐसा कुछ नहीं करती हूँ पहले इस तरीके से लर्न करती हूँ एक बार खुद से आंसर को बनाकर लिख लेती हूँ लास्ट स्टेप अगर कभी कोई क्वेश्चन को मुझे लास्ट में भी लगता है यार अभी भी ये ठीक से लर्न नहीं हुआ है तो ये पीस ऑफ पेपर हर समय आस में मैं अपने रखती हूँ पूरा क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में लिख दिया इसके ऊपर या फिर जिस भी लैंग्वेज पर जो भी समझ में आ रहा है की लिख देती हूँ एक बार एक पेपर के ऊपर सो दैट वो मुझे लर्न हो तो फॉलो दिस टेक्निक अगर ये टेक्निक तुम्हारी हेल्प करेगी तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड अगर तुम में से किसी को ये दोनों क्वेश्चन लर्न हो गया तो वो भी बताओ कि दीदी हमें क्वेश्चन लर्न हो गया आई वी वेरी हैप्पी टू नो दैट सेलेक्ट इन दीडियो इफ यू वॉन्ट मोर वीडियो लाइक दिस टेलमीडाउन इन द कमेंट सेक्शन कोई और हेल्प चाहिए टेलिडाउन इन द कमेंट सेक्शन आर मेट इन द नेक्स्ट वीडियो सो एव पेट समेस्ट सम इंपॉर्टेंट वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइज फॉर यो बोर्ड एग्जाम प्रिपेस डोट फोर्गेट वट्स इट बेस्ट टाइम टेबल मैंने डाल दिया है उसको देख लो एंड वॉट टेन डेज चैलेंज देयर एंड योर टेन फेबरी यानी कि जो फेब्ररी का स्ट्यूल है टेंथ और तो ट्वेल्थ का दोनों का मैंने डाल दिया उन वीडियोस को देख लो सुबह-बाय टेक केयर एंड बेस्ट तो ऑफ लॉक